सर, सबसे पहले मतलब मैं ये कहूँगी कि जो इतने बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट में जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो किस आधार पर मतलब ये मतलब जजमेंट देते हैं? उनको तो ये मतलब वो एक व्यक्ति को लेकर वो पूरे मतलब कि समाज को परिभाषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम जो महिलाएं हैं चाहे जो भी हो, अब जिनके साथ बलात्कार होगा तो क्या नाम है वो ये पूछेगा कि हाँ मेरा क्या नाम है किसी ने देखा या नहीं देखा, मतलब हर चीज़ मतलब कितने लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल जो एट्रोसिटी एक्ट है उसकी जो मतलब गरिमा होनी चाहिए थी उस गरिमा को पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये जजमेंट दिया गया है बिल्कुल गलत ढंग से किया गया है। महिलाओं को आगे आना चाहिए? महिलाओं को क्यों नहीं आना चाहिए, पहले से ही वो उत्पीड़न हो रहा है उनका और उत्पीड़न और बढ़ जाएगा। समाज की महिलाओं को तो ऐसा लगता है कि हम बाहर निकलेंगे तो परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, वो एक दायरे में रहना चाहती हैं। अगर यही अगर सोचना है तो फिर अपना उत्पीड़न जो शुरू से सालों से करवाते आ रहे हैं, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उसी चीज को फिर महिला उसी चीज को ढोते रहे। अगर आपको कहीं अगर हट के निकलना है और अपने इंसाफ की अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर कहते हैं कि अगर एक परिवार में अगर एक महिला शिक्षित हो जाए तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, तो इसलिए महिला को आगे आना ही पड़ेगा। हमारे बीच में सुजाता जी भी हैं, आइए सुजाता जी से हम मालूम करते हैं। मैडम, इस तरीके का जो एट्रोसिटी का मामला है, महिला छेड़छाड़ का है, आज दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या महिला सुरक्षित हैं? नहीं, दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर के अंदर हो घर के बाहर हो, किसी उसमें कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हम महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ऐसे एसटी एक्ट बनाया गया। पहले हमारे दलित समाज के लोगों की कोई भी वो पुलिस कंप्लेन तक नहीं होती थी, बल्कि उनके ऊपर क्रॉस एक्शन लिया जाता था इस सबको रोकने के लिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो क्या आज बेटियां सुरक्षित नहीं है? बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये सब ढोंग। आपको कैसे मानना है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर बेटियां सुरक्षित करने की बात होती तो ऐसे एसटी एक्ट उन्हीं के सबर समाज में ही खत्म किया जा रहा है, उन्हीं के राज में खत्म किया जा रहा है। अगर उन्हें बेटियों की इतनी चिंता थी तो उनका ही क्या बीजेपी समाज में यही नहीं देखना चाहिए था कि क्यों इस एक्ट की बदौलत ही एक हमें मजबूती मिली थी, उस मजबूती को ही खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे इसलिए आई हूँ 1889 का जो एक्ट है उसके सिलसिले में, क्योंकि उसमें मतलब जजों ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही गलत दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत मानते हैं उसे कि वो जजों ने वो निर्णय गलत दिया है? क्योंकि जो अधिकार उनके मिलने चाहिए वो और भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, तो इस वजह से मतलब हम चाहते हैं उसमें मजबूती लाई जाए संशोधन करके और तरीके से। कैसे मजबूती लाएंगे आप? घरों से निकलेंगे नहीं और कहेंगे कि नहीं ये अधिकार बचाओ, तो आप कैसे मजबूती लाना चाहती हैं? सर, घरों से तो हम निकलना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और निकल भी रहे हैं। घर वाले नहीं निकलने देते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले तो बिल्कुल मना नहीं करते हैं वो निकलने के लिए। वो मतलब कहते हैं कि मतलब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, संघर्ष करें। आप क्या कर रही हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हो? हाँ जी। तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी मेरी रिसर्च ही है, मैं रिसर्च भी चंटिंग पर कर रही हूँ, डायन प्रथा जो होती है, जो SC ST जो होते आदिवासी महिला उनको डायन प्रथा के कैसे मारा जाता है, इन सबको मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं कैसे हमारी जो समाज की औरतें उनको कैसे अंधविश्वास के थ्रू भी और सामाजिक सब चीज़ों से दबाया जाता है। आप पूजा जी, आपके लिए अंधविश्वास के द्वारा दबाया जाता है? हाँ, तो शिक्षा की जननी तो सरस्वती है, तो यही तो हाँ। सरस्वती सिर्फ शिक्षा की देवी, सरस्वती को भी ये नहीं दिखाया जाता। सरस्वती ये कहती है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लक्ष्मी को ये दिखाया जाता है, लक्ष्मी क्या कहते हैं धन की देवी, कभी लक्ष्मी को ये दिखाया जाता लड़कियां जॉब करेंगी, सही वाले को दिखाया जाता उसमें पावर है, वो दूसरों को मारती है, लेकिन कभी लड़कियों को ये नहीं कहते कि बेटी तुम बाहर निकलो। सिर्फ दिखाया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है, मेंटली बताई जाती है कि हाँ शिक्षा की देवी सरस्वती है, लेकिन सरस्वती कभी कहती है किसी नाटक में कहती है कि लड़कियों को पढ़ाओ बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को जो करना है वो बनने दो, नहीं दिखाया जाता। तो पूजा जी आपका मानना है कि ये अंधविश्वास है कि शिक्षा की जननी जो सरस्वती है सब? हाँ जी, ये सिर्फ ये है कि हम उनका क्रिटिसाइज ना कर सके जी। ये क्रिटिसाइज ना कर सके इसलिए कि हाँ भाई देखो शिक्षा की जो शिक्षा का डिपार्टमेंट है वो नारी को दिया गया है, लेकिन फैमिली में शिक्षा का डिपार्टमेंट किसके पास होता है? फादर के पास, फैमिली के पास और समाज के पास। अगर हमारे समाज में लड़कियाँ पढ़ती हो गए अरे इतने पैसे क्यों लगाओगे, इससे अच्छा तो इसकी शादी कर दो, 2 लाख तुम इसमें लगाओगे, इससे अच्छा इसकी शादी कर दो, ये होता है। तो आपका मानना है कि ये सब चीज़ जो अंधविश्वास है और आप एमफिल कर रही हैं और SC ST की महिलाओं के ऊपर ही, हाँ जी, आगे क्या करना चाहती हो आप? मैं इसी को लेकर काम करना चाहती हूँ, मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ।
आप अकेले कैसे खत्म करेंगे? एक गौरी लंकेश थी, वो हमारी तरफ पत्रकार थी, वो सीनियर पत्रकार थी, जब उसने ऐसी एक मुहिम छेड़ी कि सच्चाई को आगे लाने के लिए उनका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन उनके बाद भी तो उनके लोग उनके लिए आंदोलन चल रहे हैं, उनके लिए काम तो हो रहा है, कुछ फेमस तो हुए, कुछ काम तो हुआ, उनका नाम तो हुआ। कहीं ना कहीं मरते तो हैं, मरना तो आज भी कल भी है, कुछ काम करके जाएंगे। तो आपका मानना है कि इन अंधविश्वासों निकलना चाहिए? हाँ जी, निकलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।